स्वागत है आपका चैनल पर। बरहमपुर मेला 2023 चल रहा है और हम आए हैं बिट्टू यादव जी के पास में, और उनके पास है बहुत ही नायाब चीज जो पूरे मेले में किसी के पास भी नहीं है। तो क्या नाम है इनका? इसका नाम है हीरा। हीरा, तो ये शौक जो है यहाँ पर, तो घोड़ों का शौक देखने के लिए लोग आते हैं, और मैंने देखा यहाँ पर काफी भीड़ है, आप लोगों को दिख रहा होगा। क्या ये जो भेड़ है कौन सी नस्ल से है? नस्ल तो नहीं जानते हैं। अच्छा, लेकिन हम नेपाल से इसको लाए। अच्छा, नेपाल से लाए। नस्ल दामर लूट में आता है। दामर लूट? दामर लूट एक नस्ल है, नेपाल से खरीदा था। तो इस भेड़ को देखने के लिए अच्छी खासी तादाद में लोग जमा हुए है यहाँ पर। देखिए कैसे हाथ भी उठा रहे। और बताइए भैया, तो कहाँ से मतलब ये शौक लगा आपको? हम गए थे घूमने मोतिहारी। कहाँ पर? मोतिहारी। मोतिहारी। अच्छा, वहाँ एक हमारे मित्र है। हाँ? उनके पास 6-7 भेड़ था। अच्छा, तो लड़वा के हमको दिखाए। अच्छा, तो हम देखे तो हमको अच्छा लगा। अच्छा, तो हमको भी लगा कि हमको भी भेड़ा खरीदना चाहिए। तो कितने साल पहले आप गए थे वहाँ? करीब 3 महीना पहले खरीदा इसको। अच्छा, 3 महीने पहले ही। नया शौक है ये? अच्छा, और ये बहुत ही नायाब शौक है। यहाँ पर तो मैंने नहीं देखा, बाकी भेड़ों के अंदर मदुराई है, कर्नाटका है, ये जो नस्ल होती है ये बहुत ही लड़ाकू होती है। ये इतने डेंजर होते हैं क्या? अगर इनको कुछ काम ना हो ना, तो ये डंडे को या तो दीवारों के ऊपर अपना सर मारते रहते हैं। इनके सर के अंदर खुजली होती है, अंदर के कीड़े जो होते काटते रहते हैं इनको। तो कितने में खरीदा था इसको आपने? इसको 40,000 में खरीदा। 40,000 रुपए में? अगर आप इसको छोड़ दिया जाए तो सबको नहीं, आदमी को चांस कम है मारने का। अच्छा, लेकिन मार सकता है। इशारा करिएगा ना तब चलेगा। अच्छा, इशारा कर देगा तो मारेगा। इशारा करेगी तो मार देगा। इसके अलावा एक और है आपके पास? हाँ, एक और है मेरे पास। चलिए ठीक है, इसको जरा इशारा कुछ करके दिखाइए। आप इधर आ जाइए, ये तो जरूरी है। आप इधर आ जाइए, इधर थोड़ा फैल, दूर दूर, थोड़ा दूर हटिए, थोड़ा दूरी बनाइए। आपको भागने का जगह हो चुकी है यहाँ पर, भेड़ आपको भागने का जगह दीजिएगा, थोड़ा दूर रहिए। तो बहुत ही रॉकेट है ये, बहुत ही रफ्तार वाला है। नजर हटी दुर्घटना घटी। लड़ाने का तरीका होगा। अच्छा, क्या तरीका होता है? शिकारी है। तरीका क्या है? ये वो भेड़ा है, ये वो भेड़ा है। दोनों को जब आमने सामने ला के सुंगा के छोड़ देगा, दोनों टकरा जाएगा। अच्छा, वो भी तो इसके अंदर कोई खतरा वतरा, मतलब मरने वरने का कोई खतरा? बस दोनों सिंह का सिंह लड़ता है। अच्छा, सिंह से सिंह लड़ाते हैं, बस इतना ही है। आइए उसके तरफ चलते हैं, उसके तरफ चलते हैं। इसके बारे में बताइए, इसको कहाँ से? इसका मोती भी वहीं से लाया। इसको भी नेपाल? नेपाल में किस जगह? हम रहने वाले पटना के हैं। अच्छा, तो पटना में आपको भेड़ा है नहीं? हाँ। हम सोचे कि एक लेंगे तो लड़ाएंगे कैसे? बिल्कुल, तो दो ले लिए। अच्छा, मेरा अपना दोनों लड़ेगा, आपस आपस में लड़ते रहे। हम लोगों को मेहनत भी हो जाएगा, व्यायाम हो जाएगा थोड़ा। अच्छा, कैसे व्यायाम कैसे होगा बताइए? व्यायाम इसको पकड़ने के लिए दो आदमी। अच्छा, इसको दो आदमी लगते हैं पकड़ने के लिए। बहुत ही ताकतवर भेड़ है, बहुत ताकतवर है। और डाइट में क्या, इसको खाने में क्या? चना खाता है, गेहूं का दबिया खाता है, अच्छा खाता है, घास उस खाता है। अच्छा, तो ये है इसका खाना पीना। इसके अलावा? इसके अलावा घर पर आते दूध दूध पिला। अच्छा, दूध भी पिलाते हैं इसको। तो ये दोनों मेल है, दोनों नर है? दोनों मेल। तो इनके लिए कोई देखी है फीमेल, कोई मादी वादी? नहीं, फीमेल से हम लोग क्या होंगे, तो लड़ाने से नहीं, मतलब इससे फिर आगे सोचा है बच्चे लेंगे? नहीं, जब लड़ाना बंद कर देगा तो फिर इसको हम छोड़ाएंगे इसके क्षेत्र में। अच्छा, वहाँ बच्चा लोग फिर लेगा। नेपाल में छोड़ के आएगी? कहाँ से लिया था? नेपाल से? नेपाल रक्सौल बॉर्डर पर से। रक्सौल बॉर्डर पर से? तो खास नेपाल में जाके लिया था? रक्सौल बॉर्डर पर, नेपाल के अंदर नहीं, नेपाल से। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हिंदुस्तान से ही बॉर्डर के पास में। तो ये हिंदुस्तानी ब्रीड है? हाँ। नेपाली नहीं है? तो ये कर्नाटका नहीं है ना? कर्नाटका मदुराई, उस सबका सींग पतला होता है। अच्छा, उनका सींग पतला। इसके सींगे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कि सींगे देखिए, इसको सींग नहीं, इसको हथियार कहा जाए। दूर हो जाए, दूर हो जाए। हाँ, इनके ओनर जो है मुझे बोल रहे दूर हो जाइए, नहीं तो दुर्घटना घट सकती है। ऐसा मारता नहीं है? नहीं, मार देगा, जहाँ मार देगा वहां से तोड़ देगा। अच्छा, जहाँ से मारेगा वहां से सीधा तोड़ ही देगा? नहीं चिंता है, गुस्सा नहीं चिंता है। अच्छा, जो खिलाए हम खिलाते, हमको भी नहीं पहचानता, नहीं पहचानेगा। मौका मिलेगा तो हमको ही मार सकता है। ये जो भेड़ होते हैं, इसके अंदर मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं होती ना? मोहब्बत करेगा, अभी करेगा हमसे मोहब्बत करेगा तो क्या नहीं करेगा? देखिए, खूब मोहब्बत करेगा, आगे से मोहब्बत नहीं करेगा। ये देखिए मोहब्बत, आगे से मोहब्बत नहीं चलेगा इसका। अच्छा, से मोहब्बत इसको अभी छोड़ने वाले बाहर निकालेंगे। हाँ, निकालेंगे।
चलिए वाह है देखो तू लोग मार के हाथ करिए तो आप लोग सब उतरे बिचारा पर टूट जाएगा खटिया और आप ये बुद्धि नहीं खटिया पर चढ़े हां ठीक है उधर पागल आदमी चलो दूर हो जाओ अपना बुद्धि नहीं है सर अच्छा बोलने में काला में आएगा ये काला में है। हाँ चलिए चलिए बाहर निकालेंगे चलिए चलिए बाहर निकालेंगे लड़ाएंगे अभी निकालेंगे चलिए बाहर चलो 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 बाहर जाते हैं। थोड़ा दूर हो जाइए जरा दो मिनट दो मिनट दो मिनट नमस्कार चाचा जी नमस्कार कैसे हैं आप अच्छा आपका नाम क्या है सुधाकर प्रसाद यादव आपके बेटे ने बहुत ही अलग शौक पाला है तो ऐसा शौक आपने कभी देखा था यहाँ पर मैं हम लोग आप पहला बार पहली बार आप देख रहे कैसा लग रहा है बहुत अच्छा घोड़े तो हर कोई पाल रहा है यहाँ पर भेड़ पालना थोड़ा अलग था तो कैसा लगा आपको बहुत अच्छा लगा सारा जनता लोग देख रहा है सारी जनता जो है जनता जी सारे हाथ दिखा दीजिए ये है जनता यहाँ की जो प्यार बरसा रही है तो ये यहाँ की मोहब्बत चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।